अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के साथ एक अपनी छोटी सी बात शेयर करूँगी कि सुबह मैं रेडी हो रही थी स्कूल जाने के लिए और क्या हुआ कि आई वॉज जस्ट गेटिंग रेडी, आई वॉज जस्ट अप्लाइंग अ रेगुलर केक पाउडर ऑन माई फेस और वो मेरे हाथ से गिर गया और वो उसका सारा पाउडर टूट गया। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस टाइम उसकी क्या कंडीशन है। तो ये देखें गाइस, ये कुछ इस तरह से अब इसकी करंट कंडीशन है और ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और इसको अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है। सो मैंने इसको इस कंटेनर में रखा हुआ है जो कि मेरे पास एक पैलेट पड़ी हुई थी पहले से ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है ये। सो करेंटली जो ब्रांड मैं यूज़ करी थी वो था ये बीबी का है, बहुत अच्छा केक पाउडर है जो मैं यूज़ करती हूँ और ये इस तरह से यहाँ पे सारा था और ये सारा टूट गया और ये इस तरह से इसकी अब करंट सिचुएशन है। सो आज हम इसको, ये वीडियो इसी के ऊपर है कि हम इसको किस तरह से फिक्स कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको किस तरह से हमने ठीक करना है। सो हम लोगों ने करना क्या है, सिंपल वैसे जो इसका ऑफिशियल मेथड है वो तो कुछ इस तरह से है कि इसके ऊपर हम कुछ अल्कोहल टाइप मटेरियल होता है जो कि हम इसके ऊपर डालते हैं इसको सारा फाइन पाउडर करने के बाद और फिर ये सारी बेस सेट हो जाती है। लेकिन अगर जिन लोगों के घर में उस तरह का अल्कोहल नहीं है, क्योंकि मैं भी मेरे पास भी वो अवेलेबल नहीं था, तो उसके लिए मैंने इसका एक सिंपल सोल्यूशन निकाला है कि उस फॉर्म में इसको किस तरह से ठीक करना है। तो पहले हम लोग सिंपल सा ये एक पेज लेंगे और इसके ऊपर इसका सारा पाउडर जो है वो फाइन कर लेंगे, किसी भी चीज़ से हम इसको पीस लेंगे और इसका सारा पाउडर जो है वो फाइन कर लेंगे। सो मैं इसका पाउडर सारा फाइन कर लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। सो मैंने सारा जो इसका पाउडर था वो इसके अंदर डाल दिया है इस पेज के ऊपर और अब मैं इसको इस रूम फ्रेशनर का, मेरे पास ये कैप पड़ी हुई है, इससे मैं इसको सारा फाइन करूँगी। तो मैं इसको पहले फ़ोल्ड करूँगी ताकि ये उड़े ना और इसको फिर मैं सारा इस चीज़ से फाइन कर लेके फिर वापस आती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। ओके, सो मैंने सारा फाइन पाउडर यहाँ पे कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो सारा फेस पाउडर है वो बिल्कुल यहाँ पे फाइन हो चुका है और अब मैं इसको इसमें डालूँगी और फिर आपको बताती हूँ कि इसको सेट कैसे करना है, या फिर हम इसको इसमें भी वापस डाल सकते हैं। सो मैं इसमें डालती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि इसको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। जी, तो मैंने सारा जो पाउडर था वो इसको इसमें शिफ्ट कर लिया है और ये आपको ब्लॉक्स इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये मैंने प्रेस किया था, इस वजह से ये यहाँ पे थोड़ा सा इसके क्रिएट हो गए हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि मैं वापस से वही बॉटल की कैप लूँगी जो कि एयर फ्रेशनर की बॉटल थी और इसको मैं यहाँ पे इससे हार्डली प्रेस करूँगी ताकि ये सारी बेस यहाँ पर सेट हो जाए। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से प्रेस करती जाऊँगी इवन कर करके, ये देखें ये इस तरह से आप जैसे ही जितनी हार्ड प्रेस करेंगे उतनी ही जल्दी ये सेट होती जाएगी। सो इसको मैं कंटिन्यूसली प्रेस करूँगी और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी सेट हो रही है, ये देखें। तो इस तरह से मैं इसको प्रेस करती जाऊँगी और जब तक ये फाइन नहीं सेट हो जाएगी मैं इसको कंटिन्यूसली प्रेस करना है आपने हार्डली इस कैप से, ठीक है। तो इससे हम हार्डली प्रेस करते जाएंगे और इसको सेट करेंगे। सो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये काफ़ी हद तक जो है वो सेट हो चुका है एंड यहाँ से आप लोग देखें क्योंकि ये जो सेंटर में आपको डॉट शो हो रहा है ये असल में इस बॉटल की कैप के ही ऊपर इस तरह का इमेज आया हुआ है। ओके, सो यहाँ से देखें काफ़ी हद तक जो है फाउंडेशन हमारी जो केक है वो सेट हो चुका है, ये देखें। ओके, सो ये देखें कि ये इसके ऊपर भी थोड़ी सी फाउंडेशन लगी है, ये देखिए सेंटर में इसका एक पॉइंट है और यही प्रिंट जो है वो यहाँ पे भी हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने घर में ही यूज़ करनी है और बजाय इसके कि हम इसको न्यू परचेज़ करें और अपने पैसे वेस्ट करें, तो हमने इसी को ही मज़ीद सेट करती हूँ और मैं फिर आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने आगे इसको प्रोसीड करना है। जी, तो मैंने इसको प्रेस करके कंटिन्यूस और यहाँ पे इसको कम्प्लीटली सेट कर लिया है बेस को और ये आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल फाइन यहाँ पे सेट हो गई है। सो आप लोग पैसे अपने न्यू परचेज़ करने के ऊपर वेस्ट ना करें और इसको इस तरीके से सेट कर लें। देखिए मैं इसको उल्टा भी कर रही हूँ तो ये यहाँ पे नहीं हो रही ख़राब। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये रिकमेंड कर सकती हूँ मैं, ये काफ़ी अच्छी इसकी केक पाउडर होता है बीबी क्रीम का और ये बीबी नेम से जो है इसका केक पाउडर होता है, ये काफ़ी अच्छा होता है और गर्मियों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये आपको फेस पे ऑयल भी सारा रिमूव करता है और काफ़ी अच्छे से आपको फाइन लुक देता है।
आज की इस वीडियो में यही था। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।